दोस्तों, आपने ओम शांति ओम का ये डायलॉग सुना ही होगा कि अगर आप किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। और अगर देखा जाए तो इसी को सिद्धांत के रूप में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। ये वो सिद्धांत है जो कहता है कि आपकी सोच हकीकत बनती है। थॉट्स बिकम थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हो कि आपके पास बहुत पैसा है तो सचमुच आपके पास बहुत पैसा हो जाता है। यदि आप सोचते हो कि मैं हमेशा गरीबी में ही जीता रह जाऊंगा तो ये भी सच हो जाता है। ये सुनने में अजीब लगता है लेकिन यही यूनिवर्सल ट्रूथ है। आपकी सोच आपकी जिंदगी को बनाती है। आपकी सोच में इतनी पावर है जिसे आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहो उसे आकर्षित कर सकते हो। लेकिन बहुत ही कम ही लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी जिंदगी में फायदे ले पाते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा, क्या सचमुच लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? और अगर ये काम करता भी है तो कितने दिनों में काम करता है? आप इससे कैसे लाभ उठा सकते हैं? क्योंकि हर चीज की शुरुआत हमारी सोच से होती है। अगर आपके लाइफ में अभी प्रॉब्लम है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आपके एनवायरमेंट नेगेटिव है, आपके रिलेशंस अच्छे नहीं है, या आप अपने शरीर को लेकर अपने हेल्थ इशू को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं, आपके भीतर हमेशा नेगेटिविटी बनी रहती है, तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। क्योंकि इस वीडियो में वो सीक्रेट बताया गया है जो हर किसी इंसान के भीतर में होता है। हर किसी के साथ ये घटता है लेकिन बदकिस्मती से हम उसे समझ नहीं पाते हैं और इसी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हम सही तरीके से लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि उसे हम अपने भीतर महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। हम नेगेटिविटी में खोए रहते हैं। आइए इसे ठीक से समझते हैं कि वो कौन सी चीज है जिसे हम अपने भीतर समझ नहीं पाते हैं, जिसके वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे भीतर काम नहीं करता है। वास्तव में हमारी कंडीशन ऐसी होती है, हमारी स्थिति ऐसी होती है कि जो भी चीज हमारे पास नहीं है उस चीज के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं। हमारी ज्यादातर एनर्जी उसी सोच में चली जाती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड हर समय उस चीज के बारे में सोचता है जो आपके पास नहीं है। आप अपने भीतर उस कमी को दिखाते रहते हैं और अपना ज्यादातर समय आप इस बारे में सोचकर बिता देते हैं कि काश वह चीज मेरे पास होती। और यही सबसे पहला कारण है कि अपने भीतर उसकी कमी को दिखाना, उस कमी को अपने सबकॉन्शियस माइंड में महसूस कराना, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। ऐसा करके आप उस चीज पर फोकस कर रहे हो जो आपके पास नहीं है, जिसके वजह से आप परेशान है और यही परेशानी हमारी नेगेटिविटी का कारण बनती है और वह चीज आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट नहीं होती जो आप चाहते हो। इसीलिए इस बात को समझो कि जो भी चीज आपको चाहिए, जो भी आपके ड्रीम्स है, जो भी आपके सपने हैं, उसके अबंडेंस के बारे में सोचिए, ना कि उसके कमी के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर वक्त काम करता है, आपके जीवन में एवरी मोमेंट आपके साथ काम करता है। इसीलिए कभी भी अपने भीतर वो नेगेटिविटी ना आने दे कि आपके पास उस चीज की कमी है, क्योंकि ऐसा करने से आप जाने अनजाने में कई बार उन सारी गलत चीजों को अट्रैक्ट कर देते हो। सपोज आप अपने जीवन में वो कमी को देख रहे हो जो आपके पास नहीं है, जिस चीज को आप पाने की कोशिश कर रहे हो उसकी कमी को देख रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप वैसे लोगों को भी देखते होंगे जिसके पास उस चीज की कमी है, जो उनके साथ भी ये घटना घट रही है, वो भी पाना चाहते हैं लेकिन उसके पास कमी है। आप उस तरह के लोगों को देख रहे हो और उस तरह के लोगों को देखने से आपके पास उनके वाइब्रेशंस अट्रैक्ट होने लगेंगे, क्योंकि उनके वाइब्रेशंस नेगेटिव हैं और वही नेगेटिव वाइब्रेशंस आपके भीतर नेगेटिविटी क्रिएट करती है। इसीलिए हमेशा अबंडेंस के बारे में सोचो। आपके पास अबंडेंस होनी चाहिए, पैसों की अबंडेंस, आपकी सोच की अबंडेंस, आपके टैलेंट की अबंडेंस। मतलब आपको जो भी कुछ चाहिए उसके बारे में प्रचुरता में सोचिए कि आपके पास बहुत अधिक है। उन चीजों पर फोकस करना शुरू कीजिए जो आप चाहते हैं, ना कि उन चीजों पर जो आप नहीं चाहते हैं। क्या आप अपने भीतर नेगेटिविटी को चाहते हैं? नहीं ना, लेकिन फिर भी आप नेगेटिव लोगों को ही अट्रैक्ट कर रहे हो। इसीलिए जिस भी फील्ड में आप सक्सेस होना चाहते हो उस फील्ड के सक्सेसफुल लोगों को अट्रैक्ट करो। उस फील्ड में अबंडेंस को देखो, जो लोगों के पास है वो मत देखो कि जो लोगों के पास नहीं है। दूसरी जो गलती आप करते हैं वो है अपने भीतर का कॉन्फिडेंस ना आना।
अगर आप पैसों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो या किसी भी चीज को लेकर आप हमेशा नेगेटिव रहते हैं या खुद पर शक करने लगते हैं, आपके भीतर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता है, तो इसका मतलब आप इस यूनिवर्स को नेगेटिव साइन भेजते हैं और इस वजह से इसका रिजल्ट भी नेगेटिव होता है। सपोज आप एक स्टूडेंट हो और कोई भी एग्जाम को लेकर आप नेगेटिव सोच रहे हो। आपकी प्रिपरेशन उस एग्जाम को लेकर बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी सोच नेगेटिविटी है, आपके भीतर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो रहा है, तो 100% आप उस एग्जाम में अच्छे नहीं करोगे। इसीलिए अपने भीतर पॉजिटिविटी को, कॉन्फिडेंस को गिरने मत दो, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आप इस यूनिवर्स को नेगेटिव वाइब्रेशंस दे रहे हो और नेगेटिव वाइब्रेशंस के बदले नेगेटिव वाइब्रेशंस ही मिलेंगे। इसीलिए आप जो भी चीज को लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हो उसे मैनिफेस्ट होने में बहुत ज्यादा समय लगता है और आपको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे भीतर काम नहीं कर रहा है, यह बहुत ज्यादा समय ले रहा है। इस तरह की कमियों को अपने भीतर से दूर करने के लिए इस यूनिवर्स पर और खुद पर यकीन रखें, उस चीज को लेकर अपना वाइब्रेशंस हाई रखें। इसके लिए आप पॉजिटिव अफर्मेशन सुन सकते हैं। और थर्ड पॉइंट ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी तरीके से हमारे सोच से ही बना हुआ है। अभी आप जिस चीज की चिंता करते हैं, जो आपका सबसे बड़ा डर है, आपको उससे लड़ना है। जो भी चीज आपको अपनी जिंदगी में चाहिए केवल उसके बारे में ही सोचे और अपने मन से हर चीज का डर निकाल दे कि अगर वैसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। नेगेटिव रिजल्ट के बारे में सोचना बंद कर दे और आपको जो भी चीज चाहिए उसको लेकर काम करना शुरू कर दे। फिर आप देखेंगे कि आपके सामने रास्ते खुलते जाएंगे, आपके सामने नई नई अपॉर्चुनिटीज आती जाएंगी। मेरी इस बात को आप अक्सर महसूस कीजिएगा कि आपके इस जीवन में जिस भी चीज को आप केयर नहीं करते हैं, जिनको लेकर आप परेशान नहीं होते हैं, वही चीज आपको ज्यादा आसानी से मिल जाती है। उन सभी चीजों को आप अपने जीवन में बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं। कोई भी चीज आपको मिलना है या नहीं मिलना है, ये पूरी तरीके से आपके अटैचमेंट पर डिपेंड करता है कि आपकी अटैचमेंट उस चीज के प्रति कितनी है, और यह इस बात से तय होता है कि आपको उस चीज के प्रति कितना प्यार है, उस चीज के प्रति आपका लगाव कितना है। ये आपके लिए आपका हेल्थ हो सकता है, आपके रिलेशंस हो सकते हैं, आपके सक्सेस हो सकते हैं, आपका वर्क प्लेस हो सकता है, आपके लिए मनी भी हो सकता है। आप अपने भीतर ये देखिए कि कहीं आप उस चीज को किसी को दिखाने के लिए तो मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते हो। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आप बहुत जल्द ही फेलियर होंगे, क्योंकि इस जगह पर आपका ईगो डेवलप हो जाता है। अगर आप उस चीज को लेकर डिटरमाइंड रहेंगे, उस चीज को लेकर अटैचमेंट फील करेंगे, उसके प्रति आपका लगाव होगा, तो शायद कुछ ही दिनों में या कुछ ही हफ्तों में आप उसे पा लेंगे। और अगर आपके साथ ये कंडीशन नहीं आती है, आप इसे सिर्फ दिखाने के पर्पज से करना चाहते हैं, आप इसे अहंकार की भावना से करना चाहते हैं, तो इस चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको शायद महीनों या सालों का समय लग सकता है, क्योंकि उस समय आपका वाइब्रेशन लेवल बहुत ही कम रहता है। और आखिरी बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता ही नहीं है। और 95% लोग हर समय यह गलती करते हैं, जिसे वे ठीक करके अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं, अपने भीतर हैप्पीनेस को ला सकते हैं, अपने भीतर खुशियों का अबंडेंस हो सकता है। और कहा जाए तो अपने जीवन में हर उस चीज को लेकर अबंडेंस हो सकता है, अपने शरीर को हेल्दी बना सकते हैं, और वह है आपकी फीलिंग। ये बताता है कि हर समय आप कैसा महसूस करते हो। अगर हर वक्त आप पॉजिटिव रहते हो, खुश रहते हो, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग को रखते हो, तो आपके पास उस वक्त वह सभी चीजें हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते थे, क्योंकि उस वक्त आपके पास जो कुछ भी है उसके प्रति आप ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखते हो, उसके प्रति आप थैंकफुल रहते हो, उसके प्रति आप यूनिवर्स को थैंक्स करते हो, और इसी वजह से आप इस यूनिवर्स को पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी भेजते रहते हो, और लॉ ऑफ यूनिवर्स के अनुसार यूनिवर्स आपको वही फ्रीक्वेंसी रिटर्न करता है। लेकिन इस दुनिया में लोगों की सबसे बड़ी गलती यही है कि 95% लोग चीजों को लेकर नेगेटिव रहते हैं, उनकी फीलिंग्स नेगेटिव रहती है, वे अपने लाइफ के 24 आवर में ज्यादातर समय नेगेटिव ही रहते हैं, अपनी जिंदगी में हर चीज की कमी को महसूस करते रहते हैं, और फिर सारा दोष अपने उस किस्मत को देते रहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप भी उनमें से हैं, तो आप इस बात को समझिए कि आप अपने सोच में थोड़ा सा बदलाव करके ही अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं।
क्योंकि ये बात सत्य है कि जिस तरह हम सोचते हैं उस तरह दुनिया को हम देखते हैं, और जैसे हम दुनिया को देखते हैं, जैसे हम अपने एनवायरनमेंट को देखते हैं, हम वैसे ही बनते चले जाते हैं।